बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक दिल्ली पुलिस का सिपाही मनोज भी है, जबकि दूसरा मृतक सिपाही मनोज का परिचित रमेश था। दोनों मृतक सुबह सवेरे लाइन पार क्षेत्र में ट्रेन किनारे टहलने गए थे। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों के चलते हत्या की बात सामने आई है। वहीं डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला है ये मर्डर वाला? आज सुबह करीब 7:30 बजे हमारे लाइन पार थाना में इन्फॉर्मेशन आई थी कि दो व्यक्तियों को गोली मार दी गई है बदरों पर, जिस पर मौके पर जाकर कार्रवाई अमल में लाएगी और मनोज व रमेश नाम के व्यक्ति की गोली मार हत्या कर दी गई है, जो मनोज दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। अब इसकी वजह तलाश रहे हैं, लेकिन जो उस मृतक मनोज है उसके परिवार वालों को शक है कि रणवीर व उसके परिवार वालों ने इसकी हत्या कर रखी है। किस इसमें अभी चल रहा है, शायद इलीगल रिलेशन के उनको डाउट है या कुछ है। दूसरा कौन था सर? दूसरे का अभी दूसरा जो रमेश है वो साथ दोनों इकट्ठे घूमने के लिए गए थे, दोनों को गोली मार दी, गोली लगने से दोनों की मौत हो गई।